मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। इस दुनिया में हवस की बहुत सी अकसाम पाई जाती है, मगर उनमें सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। आ गया तेरे बेड़े नजर करम दी कर दे मेरे आप लोग चले जाइए, शाह जी को बता दीजिएगा कि हम रवाना हो गए, लाहौर पहुंच के फोन कर देंगे। जी सरकार, गाड़ी आ जाए हम भी रवाना हो जाएं। और किसी चीज की जरूरत है छोटी सरकार को तो भिजवा देते। नहीं आप लोग चले जाइए। जी मैम। नहीं अभी सब क्या मतलब है? कोई दोपहर को देर से आएगा तो वो दोपहर के खाने से भी जाएगा? कोई शर्म है तुझे?
बता कहाँ था सुबह से, किधर आवारा गर्दी कर रहा था? बाप की बुरी हड्डियों का तुझे कोई ख्याल नहीं? बस हो गया इमोशनल ड्रामा शुरू आपका। हाँ जी हो गया शुरू, तुझे कोई कुछ ना कहे, तू चाहे जो मर्जी करता रहे हमारे साथ। बस कर रहा है। फरी फरी प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं कसम से। अब्बा आ गए। अब्बा आप आ रहे हैं ना, एक लफ्ज नहीं बोलना, चुप रहना, तुमने सुना? मैं बोलता ही क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। लाइए मैं रख देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कमाल है भाई, आज तुम भी घर पे ही हो, हैं? और पर्चे कैसे हो रहे हैं तुम्हारे? तैयारी वैयारी ठीक की थी ना? इस बार बहुत मेहनत की है अब्बा, अब तक के सारे पर्चे बहुत तैयारी के साथ दिए हैं। भाई की तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, पर सिजल खराब आ जाता है। अपनी बकवास बंद करिए। अच्छा इस नालायक से मुझे कोई खास उम्मीद भी नहीं है, बस एक बार बीए पास कर ले तो इसे अपने ही दफ्तर में क्लर्की में रखवा दूंगा, बस इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। सज्जाद का कोई फोन आया, उसका आज इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन में। हाँ जी वो बात हुई है बहन की इंटरव्यू के बाद, बड़ा ही खुश था, कह रहा था इंशाल्लाह नौकरी जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं, मुझे बस अपने बड़े बेटे से ही उम्मीद है, वही इंशाल्लाह कुछ अच्छा करके दिखाएगा। मैं जरा हांडी देख लूं। आ गए जनाब। तुम्हें यहाँ पे टंगे रहने के अलावा कोई और काम नहीं है घर पे? क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? लगता है आज अंकल से फिर। हाँ उड़ा लो उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो, कोई बात नहीं, एक दिन जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन मेरे अब्बा के समेत समेत तुम भी है, बस यहीं पे खड़ी रह जाओगी। ना जाने वो दिन कब आएगा, इंतजार में आंखें सफेद हो जाएंगी। जाओ ना यार, टलो यहाँ से। हम क्यों टले, टलने की बारी तो तुम्हारी है। इस बार तुम्हारे अब्बा तुम्हारी सपली बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पक्की तैयारी है इस दफा मेरी। हाय अल्लाह, चीटिंग करोगे तुम? बड़े ही अफसोस की बात है फैदी, सज्जाद भाई से कुछ सबक सीख लो। मेरी बात सुनो, ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, सही है? अब टलो यहाँ से, बहुत जरूरी सवाल निकालने आज मैंने। अच्छा मुझे बुला लेना, पर्चियां बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी, हमसाए हमसाए के काम आते हैं। भाई जी मुझे लग रहा है देर हो जाएगी, लाहौर की ट्रेन भी पकड़नी है मुझे। तुम्हारा एडवेंचर तो मेरी समझ से बाहर है वैसे, 40 मिनट की फ्लाइट भी नहीं है लाहौर की, क्योंकि तुम्हें सारा दिन ट्रेनों में ख्वार होना है बस। ये ट्रेन का रोमांटिसिज्म आप फ्यूडल लॉर्ड्स क्या जाने, कभी ओरिएंट एक्सप्रेस पढ़िएगा अगाथा क्रिस्टी की, फिर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हुए पाए जाएंगे। रहने दो, मुझे इन सब चीज़ों से माफ़ी रखो तुम, वैसे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ मेरे पर खड़की, इसलिए रोमांटिसिज्म का मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। सलाम करके आता हूँ मैं, जरा जल्दी आइएगा। Yeah.
सजावल का बेटा है ना? जी। की चाहिए था बाबा जी? तू भला मुझे क्या दे सकता है? तुझे कुछ चाहिए तो बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं होता, किसी न किसी चीज की कमी तो रह जाती है। अच्छा तो बाबा जी फिर आप दुआ कीजिए कि आज लाहौर जाने वाली ट्रेन लेट हो जाए, क्योंकि भाई जी अंदर गए हुए हैं और मुझे लग रहा है कि आज वो मुझे लेट करवा कर ही छोड़ेंगे। गाड़ी छूटती है तो छूट जाने, मत सफर कर आज, वरना सब कुछ खो जाएगा, वो भी जो तेरे पास है और वो भी जो। अरे नहीं नहीं बाबा जी, बड़ी जरूरी मीटिंग के लिए लाहौर जा रहा हूं, अगर नहीं गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो वैसे भी सब कुछ हो जाएगा, चल तेरी मर्जी है तो फिर यूं ही सही। आज से तेरा सफर शुरू होगा, खत्म कहां होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। जा रहे हो भाई आधी रात को? अब्बा को लग गया पता, बहुत डांट पड़ेगी। और सुबह पर्चा भी आपका। मेरा जाना जरूरी है, अगर पीछे वो पूछे तो प्लीज तुम लोग संभाल लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। भाई मरवाओगे क्या हमें? तुमको पता है रात में अब्बा एक दफा जरूर आते हैं सजाद भाई को देखने। यार फीदी वो बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत देर हो चुकी, तो सुबह चला जाए ना। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं गया तो सब उल्टा हो जाएगा, तुम लोग प्लीज पीछे संभाल लेना। सज्जाद बाहर का दरवाजा बंद कर लेना सोने से पहले। फरिया कहाँ है? आप तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारी माँ आवाजें दे रही है नीचे, बुला रही है तुम्हें, जाओ। बस अब्बा जी जा रही थी नीचे। हाँ जाओ, ये लो। नवाब साहब अभी तक सो रहे हैं, और उठाओ इसे, इसका पेपर है सुबह यार, उसे तैयारी करनी है, वो खाबे खरगोश के मजे ले रहा है। और फरहाद, फरहाद बाजी, 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 ये आपकी दवा, वो मैं नीचे से लाते हुए भूल गया था आपको देना, तो सोचा ले आऊं, कल भी मिस हो गई थी, नागा हो गया था, खा लें आप, फिर तबीयत खराब हो जाती है आपकी। मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ फरिया को इसी के लिए बुला रही थी। अब्बा आप चले, मैं आ रही हूँ, फरहाद भाई ने कहा था कि 12 बज जाए तो उठा देना, मैं फ्रेश होके पढ़ाई करूंगा। तो 12 तो बज गए हैं ना, उठाओ उठाओ इसे यार, बड़ा सो रहा है अभी तक। जी जी बस उठा रहे हैं। अबे फिदी यार, कसमें मरवा दिया था तूने आज यार। किधर रह गया यार? तेरा सोरा भी आता होगा बाबू बूटी वाला।
बाबू बूटी वाला नहीं, बाबा बूटी वाला। जाइल नाम तो ठीक लिया कर यार, परेशानी की हालत में करेक्शन ना कर मेरी। हाँ दे। ओए, ओ बाबा बूटी वाला आ गया अपने उड़न कटोले पर। और यार ये तो किसी पुरानी अंग्रेजी फिल्म का जासूस लग रहा है। आजा चलो चलो। दीदी कहाँ है? मैंने उसे पूरे 12 का टाइम दिया था। आता ही होगा। देखो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, बहुत खतरा है। मैं चुप कर आया हूँ, वोट वालों ने मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं। पैसे निकालो, अपनी बूढ़ी से मालो। पैसे तो सीधी के पास। बेड़ा गर्क पुल से छापा। हाय मैम हो गया वल्लार साहब, तो मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। हो गया सचो साहब, मिलते हैं। जो बात समझाई थी उसे याद रखना। आप इस साल कर लेता हूँ, वो अब्बा का थोड़ा प्रेशर है, अगले साल से पक्का पढ़ाई करके दूंगा। हाँ तो ठीक है, चलो जी। ओके जी। क्या हुआ? फीदी के बच्चे, ये क्या ड्रम है? क्या था वो? क्या हो गया यार? SHO मोहल्ले का वाकिफ था, उसने यहाँ तक लिफ्ट दे दी, तो क्या हो गया? तो ये SHO क्या कह रहा था? वो कुछ नहीं कह रहा था, वैसे ही बहुत देर हो गई है, गाइड भी लेनी है। वो है किधर अभी? वरा चलो। ओ वरा काला वाला बैग भी होगा ना अंदर, वो भी निकालो। बीपी जी सब यही है, फिकर ना करें आप। कैसे फिकर ना करूं भाई, मेरा बैग है भाभी, उसमें मेरा सारा मेरी ज्वेलरी है भाभी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसने वो चोरी कर लिया ना तो मैं इसका गला दबा दूंगी। सुनो, मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। तुमने मेरा काला बैग कहाँ रखा है मुझे अभी के अभी बताओ, और चाहिए। आराम से माही मिल जाएगा। अच्छा, अगर ना मिला ना तो आप मेरी अभी के अभी फ्लाइट कराएंगे और मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि बैग नहीं है तो मेरा क्या काम है वहाँ जाना। शायद अंदर रह गया होगा, मैं यूं गया यूं देख के। ओए रुको, सुनो, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूं ताकि ना तुम हाथ आओ ना मेरा बैग। भाई साहब, आप किसी और को भेज के अंदर सामान चेक करवा लें। अशोके इधर आए। ए, बोगी नंबर 5 में देख, मैडम का ना छोटा सूटकेस है, वो देख के आ रहा जल्दी। छेती यही। वैसे बड़े को गैर जिम्मेदार खुली हैं आप, इतनी बड़ी ट्रेन में इतनी सारी बोगियों में इतने सामान में आपको मेरा ही काला बैग मिला घुमाने को। अंदर नहीं है जी कोई बैग, आप खुद ही ढूंढिए। ए, तुमने मेरी आंखों के सामने बैग उठाया था, कैसे कहीं जा सकते है? माई बीबी, वो देखे, वो मुझे आप ही का बैग लग रहा है, वही है ना? लग नहीं रहा है, वो मेरा ही बैग है। माही, माही, ओए, सुन, रुक, मेरा बैग दो। इसे कहते हैं शक्ल मोमिनों वाली लेकिन काम काफिरों वाले, शर्म नहीं आती किसी का सामान चुराते हुए, वापस दो। क्या चाहिए आपको? मेरा सामान तो आपने चुराया है। ये लगेज तो हमारा है बस, ये जी ये मेरा ही है। चोर की किस्मत में आखिर पकड़े जाना ही लिखा होता है। अब ये एक्चुअली सामान तो हमारा है, पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। क्या आपको लगता है कि मेरे बैग के पैर है?
जो चल के आपके सामान में आ गया होगा। हाँ, शर्म नहीं आती? शक्ल से वैसे चोर भाई, पुलिस के हवाले करूँ तब सारा सच उगलोगे? अरे मैम, आप बिना वजह गुस्सा की जा रही। भाई ये बैग गलती से भी तो तब्दील हो सकते हैं ना? यही बहाने बनाते हैं चोर जब पकड़े जाते हैं तो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से पुलिस से कोई मिस्टेक हुई है। अभी तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। अभी अगर वक्त होता ना मेरे पास तो तुम्हें पुलिस के हवाले करती मैं। सर चोर है, मेरी सारी ज्वेलरी थी उसमें। इस तरह ये पेज लग रहे हैं, आज इसी तरह ये सवाल भी लगे तो मजा ही आ जाए। पास करा देना। आई लव यू। फरी, 6 अंडे रख देना उबालने के लिए, मैं बस आ रहा हूं नीचे। ये सब क्या कर रहे भाई? देख नहीं रहा छोटी, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अब्बा के कोर्ट का क्या हाल बना है? ये अब उनके किस काम का? हद होती है भाई, अम्मी समझ रही हैं कि उनका हुनहार बेटा अब्बा की मोहब्बत में बरकत समेटने के लिए उनका कोट पहन के जा रहा है, लेकिन तुमने तो बारूद भर दिया इसमें। छोटी, मेरी खाला बनने की कोई जरूरत नहीं है। और चलो फटो यहाँ से, इससे पहले मुगले आजम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे और देख लेंगे सब कुछ। चलो फटो यहाँ से। आउट, आउट, आउट। तो भाई अगर पर्चा आउट करा लिया था तो 5 सवाल याद कर लेते। याद कर लेते? मैंने इतनी मेहनत याद करने के लिए की थी? चलो छोटी, अब जल्दी चलो ना इससे पहले कि वो आ जाए। छोटी जाओ। ये लड़का भी क्या है, सारे गंदे कपड़े इसने मशीन में धुलाने के लिए देने नहीं है। रोज कपड़े धोती हूँ मैं पर नहीं। हाय मेरे रब्बा, अंदर भी वही हाल किया हुआ। हद होगी भी, मैं तो थक गई हूँ। आपे बीवियाँ आएंगी तो फिर ठीक हो जाएंगी। हमने तंग आ गई हूँ मैं बस इस लड़के से, बहुत ही गंद मारा हुआ। चलो अभी इतने धोती हूँ, बाद में फिर देखूँगी क्या मुसीबत। चल ये भी ले जा। सेठ निसार की कोठी है? जी जी, यही कोठी है। अच्छा, ये निसार साहब वही है ना जिनके उकाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री है? नहीं नहीं सर, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनके अपने बागात हैं और ज़मीनें भी हैं। अच्छा अच्छा, असल में यार मैं शहर में नया हूँ, यहाँ कोई किसी को जानता ही नहीं है, मतलब एड्रेस पूछना मुश्किल हो गया यार। सर आपके पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है? अरे भाई बस ये गलती हो गई मुझसे, मैं मोबाइल नंबर पता नहीं कहाँ मिस हो गया यार।
तुम्हारी यहाँ कोई तकरीब वगैरह हो रही है? जी जी, चंद दिनों में निसार साहब की बेटी की शादी है, उसी की तैयारियाँ हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार अल्लाह मुबारक करे भाई। माजद आप लोगों को तकलीफ दी, मेरा ख्याल है मैं आगे निकल आया हूँ, पिछली गली में चेक करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी बेहतर। परी जल्दी करो भाई, बहुत देर हो रही है यार, ऑफिस पहुंचना है। आ रही हूँ भाई। चलो चलो। अम्मी अम्मी, हाय है, तू गया नहीं, तेरा तो पर्चा था आज। हाँ हाँ, वही जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, 2 बजे है पर्चा मेरा, वो बादामी रंग का मैंने कोट रखा था अब्बू का, मिली नहीं रहा, चलो मुझे ढूंढ के दो। अरे क्या हो गया, गिराएगा मुझे, पागल हो गया, अजीब पागल जोकर लगता है। अपने आपको नहीं पता, अभी बहुत कुछ करने जाके हॉल में पूरी ड्रेस तैयार करनी है, चल के ढूंढ दो ना मुझे। कौन सा कोट, वही वाला? हाँ है, जिसका अस्तर निकला हुआ है। हाँ वही वाला, जिसके आसिम के 2 बटन भी टूटे हुए थे। वो तो मैंने अभी धोया, मैंने कहा खुशक हो जाएगा तो रेडी वाले को देके ना, तो प्लेटें ग्लास ले लूंगी, घर में बर्तन ही कोई नहीं है। धो दिया? हाँ धो दिया है। क्या करा अम्मी आपने, या खुदा अम्मी, उसमें पूरा कोर्स था मेरा, क्यों धोया आपने? क्या हो गया इसको, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे? अच्छा ना, वो सूख जाएगा अभी घंटे में, तो पहन ली शाम को। अफसोस, लगता है सारी मेहनत जाया चलेगी इम्तिहानों की। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कितना दुख और अफसोस हो रहा होगा तुम्हें। चल कुकड़ी। मैं क्यों जलूंगी, और तुमने कौन सा जिले में गोल्ड मेडल ले आना था बीए के इम्तिहानात में? कि गोल्ड मेडल लेना कोई कमाल बात नहीं है, और देख लेना एक दिन ये जितने गोल्ड मेडल्स लेने वाले ना मेरे नीचे काम करेंगे, ये तुम जैसे छोटे लोगों की सोचा है। छोटे लोग? हाँ हम छोटे लोग हैं, आप तो बड़े लोग हैं ना, आपकी बहुत कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ये फैक्ट्रियां और ये बड़ी तनख्वाहें, यही तुम जैसे छोटे लोगों का मसला है। अरे पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा दिन था, तुम लोग हमारे हमसाए आके बसे थे, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं रमजान साहब घर बना रहे। अरे भाई बनाओ और टलो यहाँ से। हम क्यों टले, तुम टलो, 2 बजने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मेरा सारा टाइम जाया कर दिया, मुझे रास्ते में से गाइड भी लेनी है। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना, इस मुल्क को हमको तुम जैसे नौजवानों की बहुत जरूरत है। तुझे ना मेरे गले पड़ गई है। भावलपुर की फैमिली है साईं, किसी सेठ निसार के घर आए हुए, डिफेंस में गोटी है। सेठ की बेटी की शादी है जिसमें शिरकत के लिए भावलपुर से खवातीन आई हुई हैं। अच्छा, फिर उसका पता लगाना तो बहुत ही आसान है, भावलपुर ज्यादा दूर नहीं हमसे। जी साईं, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? शादी की तकरीब के बाद वो लोग जरूर वापस भावलपुर जाएंगे, इसे बस तुम्हें गैर महसूस तौर पर उन पर निगरानी रखनी है। अगर चाहो तो इलाके से 2-4 बंदे और बुलवा लो इसी काम के लिए। जी साईं। अच्छा ईसा, सिकंदर भाई को पता ना लगे, ख्याल रखना ईसा। आप बेफिक्र रहें साईं, उनको नहीं पता चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। परफेक्ट। चलो
कमजोर की किस्मत में आखिर पकड़े जाना ही लिखा होगा। जाओ बुशरा, जाके किचन के इंतजामात देखो। देखें अबू, अभी तो ये ठीक से आई भी नहीं और इसे जाने की बातें भी शुरू कर दी हैं। शुक्र करो मैं आ गई हूँ। अगर अंकल बार बार फोन कर इसरार ना करते ना, तो मेरा और भाभी का यूँ आना नामुमकिन होता। वैसे मुझे काजिम भाई से बहुत शिकायत है, नाराज हूँ मैं उनसे। क्यों नहीं आए वो? आंटी जरूर आते, बस एन वक्त पर उन्हें और शाहजी को पुरानी जमीन के मुकदमे का समन मौसूल हो गया, और आप तो जानती हैं पेशी बहुत जरूरी होती है। चलो अब तुम लोग आ गए हो ना, मिलकर बहुत हल्ला गुल्ला करना है, समझ गए हो ना? अरे आंटी आप हल्ले गुल्ले की तो फिक्र ही ना करें, बस अपने हमसायों को वार्न कर दीजिएगा कि वो अपने हेडफोन्स तैयार रखें, क्योंकि आपके इस घर में बहुत शोर होने वाला है, बहुत सारा। अरे भाई कहाँ गुम हो, एक घंटे से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हाँ तो बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। सुन तो फोन पे भी सकते हैं, यहाँ पर आने का क्या फायदा, इतनी दूर वो भी। शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं है। मान ना मान, ये उसी के ख्यालों में गुम है। ट्रेन के सफर में कहीं मोहब्बत की शुरुआत तो नहीं हो गई, मेरा भाई किसी से इश्क तो नहीं कर बैठा। हो गई तुम लोगों की फजूल बातें खत्म, प्लान बना ले यार कोई। तो चलो चेक कर यार, इनके चेहरे पे कितना सुकून है, न जाने कहां से आ जाता है इतना सुकून। मैं तो मर जाऊंगा, मेरा बाप तो मुझे कत्ल कर देगा अगर इस बार भी मेरी सप्ली आई तो। मैं तो सुनते ही मर गया था, तेरी वजह से फीदी, तेरी वजह से मैंने तैयारी नहीं की, काश मैं तेरी बातों में ना आया होता। कमे तो तुम लोग हो यार, बोला भी था थोड़ी तैयारी कर लेते। अरे कुछ नहीं तो गाइड ही रख लेते अपनी शर्ट या ट्राउजर्स में। अब मरो सारे तो अब क्या करेंगे, अब क्या खामोशी से घर घर खेलो। घर घर खेलो, हाँ सही कह रहे हो, पेपर खत्म होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है, घर पे जाके क्या बोलोगे तुम लोग? मेरी जान यहाँ पे भी हमें कोई बैठने नहीं देगा ना। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आ जाओ कल चलो। आ जा फिदी। अरे आ जा, कुछ नहीं होता, आ जा भाई। मैंने तो निसार से कह दिया है कि शादी का सारा इंतजाम बाहर लॉन में रखे, जो मेहमान कमरों में घुसते हैं ना मुझे बिल्कुल पसंद। बुशरा ये मिठाई यहाँ क्यों रख रही हो, जाके किचन में रख कर आओ, हद होती है वैसे बुशरा, मुलाजमों से काम कराना मुझे ब्लड प्रेशर करके रखते हैं। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बुशरा बुशरा वो देखो बाहर जाके बच्चा गिर जाएगा, या खुदाया जल्दी जाओ। ये मुलाजिम मुझे पागल कर देंगे, मेरी तो दुआ है साथ खैरियत से शादी गुजर जाए किसी तरह इंशाल्लाह। तो पहुंची के नहीं पहुंची भाभी, फकीरा भाभी। हाँ माही यहाँ हूँ। भाभी मैंने अपना सारा सामान छान मारा है, लेकिन मेरा वो नीला दुपट्टा नहीं है। नीला? वो तो मैंने फकीरा से कह के खुद रखवाया था, अच्छी तरह चेक करो वही होगा। मैंने 10 बार देख लिया अपने सारे सामान में नहीं है। अब मुझे बताएं मैं रात को ढोलकी में क्या पहनूंगी, मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है बस। फकीरा फकीरा जी, मेरा वो नीला जोड़ा रखा था कपड़ों में। माही बीबी मुझे तो बड़ी सरकार ने दूसरे काम पे लगा दिया था ना, वो मैं तो जोड़े टांक रही थी, पूरे 52 जोड़े भेजे हैं रिदा बीबी के लिए, पूरे 52 जोड़े। और आपका काम तो वैसे भी असगरी देख रही थी। देखा भाभी देखा, मेरे रंग में भंग डाल दिया ना। बस अब तय हो गया,
मैं रिदा की ढोलकी में नहीं बैठने वाली। ओहो माई, क्या हो गया है? आते ही फड्डा करना शुरू कर दिया तुमने। आंटी, हमेशा मेरे साथ यही होता है। मेरे आधे कपड़े छोड़कर आ गई है ये। अरे इतने सारे तो कपड़े लेकर आई हो, उनमें से कोई भी पहन लो ना, नाराज क्यों हो रही हो? नहीं, मुझे वही नीला जोड़ा पहनना है जिसका दुपट्टा ये घर पर छोड़कर आ गई है। कोई बात नहीं माही, तुम मेरे नीले जोड़े का दुपट्टा पहन लेना, वो वैसे भी तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल मैच करता है। तुमने भी अपनी जिद की आदत बिल्कुल नहीं छोड़ी। तुम मेरी दोस्त हो ना, जानती हो ना मेरे बारे में, मैं जब कुछ सोच लेती हूँ तो उससे हटकर कुछ भी हो मुझे नहीं पसंद। माही, 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 क्या हो गया माही? मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? अच्छा चलो उठो, तैयार हो, मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए नया दुपट्टा ले आते हैं, ठीक है? माही, मिल जाएगा ना यार, आओ तो सही। यार नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्ट मैच था। यार मैं बता रही हूँ, मिल जाएगा। चलो उठो, शाबाश, उठो, चलते हैं ना। गए। फरी, फरी जी। अब्बा भाई, वो मेरी एक नीले रंग की फाइल है, वो नहीं मिल रही, देखो जरा कमरे में तो नहीं पड़ी हुई है। जी अब्बा। अरे फरहाद भाई, आप आ गए, बड़ी लंबी उम्र है। अब्बा भी आपको पूछ रहे थे। चल अच्छा हुआ आ गया है ना, अब रोटी लगा जल्दी कर, इसे भी भूख लगी होगी। जी अम्मा। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कभी हमारे पास बैठकर भी कुछ डिस्कस कर लिया करो, आ जाओ बैठो। पेपर कैसे हो रहे हैं? सही हो रहे हैं? देखो फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं चलेगा, हर हाल में चाहिए वो। ठीक है तुम अपने भाई की तरह लाइफलाइक नहीं हो, लेकिन हो तो गवर्नमेंट सुपरिटेंडेंट तौफीक अहमद के बेटे, तो फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। जी अब्बा, उम्मीद तो है, बस दुआ करें। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता ना मियाँ, दिल से मेहनत करनी पड़ती है, दिल से। अब मेरे दफ्तर में दो जूनियर क्लर्क की आसामियाँ खाली हैं, सोच रहा हूँ कि तुम अपना बीए पास कर लो तो मैं बात करूँ वहाँ उनसे, दरख्वास्त करूँ, 30 साल मैंने नौकरी की है, इतना तो लिहाज रखेंगे मेरा, तो मेरे ही दफ्तर में तुम्हें भर्ती करवा दूंगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी,
मेरा बेटा भी बड़ा अफसर बन जाएगा। तुम तो बेटा दबा के सीएसएस की तैयारी करो यार। सीएसएस क्लियर कर लोगे तो मेरी मुश्किलें भी आसान। अब्बा जी आप फिक्र क्यों करते हैं, तैयारी पूरी है मेरी, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। जीते रहो, खुश रहो। तुम सीएसएस कर लोगे ना तो मेरा बहुत बोझ कम हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। खाना लगवा दो, अब आ गया है तुम्हारा लाडला दिन भर आवारा गर्दी करके। जी लगा रही हूँ। लगाओ लगाओ वो जियो लगा दे, न्यूज लगा दे। जी आरफा, ये लड़की कौन है? इसने तो सारी महफिल में धूम मचा रखी है। ओ, ओ, तुम्हारे निसार भाई हैं ना, उनके जिगरी दोस्त काजम शाह की बेटी है। वैसे रिदा की बचपन की दोस्त है। जब हम भावलपुर में रहा करते थे ना तो इनके घर में बहुत आना जाना था हमारा। अब देखो शाह साहब और उनकी बेगम खुद तो आ नहीं सके किसी जरूरी काम की वजह से, और अब बेटी और बहू को यहाँ भेज दिया। वैसे अरिदा ने मुझसे कह दिया था कि अगर मेरी सहेली नहीं आएगी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब्बा पूरी तैयारी कर रहा हूं, बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा आपको। तो जल क्यों रहा है? अब जब पापा जी ने मुझसे उम्मीद लगा रखी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके जहन में। बस बस बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं क्या होगा उनके दिमाग में। एक नंबर के खुशामदी हो तुम दोनों। ये चमचे नंबर एक और ये छोटी चमची नंबर दो, लगाते रहो मक्खन आएगा। दिन मेरा भी आएगा, पूछूंगा भी नहीं तुम लोगों को। कब आएगा भाई? हाँ जब आप अब्बा के ऑफिस में जूनियर क्लर्क ले जाएंगे, है ना? मुझे नहीं करनी ये क्लर्क की नौकरी, ये अजीब बात है अब्बा की, बड़ा बेटा करे सीएसएस और ये छोटे बेटे को चुन्नी मुन्नी जी को क्लर्क की नौकरी, क्यों भाई? मैं तो नहीं करूंगा, एहतजाज करूंगा पूरा। हाँ हाँ आपके लिए तो 17वें ग्रेड की कुर्सी खाली पड़ी है, वो लोग तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब फरहाद साहब तशरीफ लाएंगे। तुम दोनों जरा रुको, इसको आज टाइट कर ही दूंगा। हाँ आ गई तुम चमची नंबर तीन। असल में जो तुम जैसे आम जहन के मामूली लोग होते हैं ना, इनकी जहन की सुई सिर्फ और सिर्फ ऊंचे ओहदों और ग्रेड्स पे अटकी रहती है। मेरी मंजिल कुछ और है। हाँ हम भी तो सुने, क्या मंजिल है आपकी? बताऊंगा वो भी एक दिन, फिलहाल तुम और फारिया बैठ के ये चटनी और अचारों की रेसिपियां सोचो। ये देख रही हो ना इससे फिर? आ गया सल्लू, मैं जा रहा हूँ, अब्बा को संभाल लेना। बाबा क्यों जा? अब्बा को लग गया पता बहुत डांट पड़ेगी। तो तुम संभाल लेना ना, वैसे भी चापलूसी में माहिर हो, संभाल लेना तुम। चलो ओके सही है। देख रही हो ना इसकी हरकतें? तुम क्यों हर वक्त मेरे भाई को तंग करती हो? शौक है मेरा, चटनी बना जाके। जी भाई दोस्तों से मुलाकात तो हो ही गई थी।
तो वापस आने का क्या प्लान है फिर? जानते हो ना अम्मा सेन तुम्हारे बगैर कितना उदास हो जाते हैं। बस कुछ दिन और लगेंगे भाई जी, एक जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? ऐसे क्या जरूरी काम आन पड़ा? खैर तो है सब? जी सब खैर है। माँ जी को मेरा सलाम और प्यार जरूर दीजिएगा और उनसे कहें कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और बहाने बहाने से मेरी खैरियत पूछने के लिए आपसे कॉल ना करवाया करें। चलो ठीक है, दे दूंगा तुम्हारे पैगाम। ठीक है, चलो बाद में बात होती है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। सही, वो मेहमान आ गए। मुस्कुराया जा रहा है? फारिस का मैसेज आया, कह रहा है काटे ना कटे रतिया। हाय अल्लाह, दुल्हे मियां का ये मोहब्बत भरा मैसेज। उफो यार, वैसे मैं सोचती हूँ ये मोबाइल पे क्या इज्जत है, मतलब कॉल्स मैसेजेस फौरन बात कर लेते हैं, हैं? मुझे तो लगता है किसी आशिक ने इजाद किया होगा, जिसके आवाज जात में ना कोई बहुत आशिक टाइप रहा होगा, जिसकी महबूबा ने दरिया में कूद कर अपनी जान दे दी होगी क्योंकि उसे वक्त पर पैगाम नहीं मिला। तौबा माही, जरा सी बात का अफसाना बना दिया तुमने। ऐसे ही, just give it a thought। क्या कर रही हो यार? माही, माही क्या कर रही हो यार? I'm not allowed to call him। अबू ने मना किया है। कोई मसला नहीं है, अबू यहाँ नहीं है। अबू, अबू दिख रही है? Yeah, but I'm not allowed to call him. ना मैंने भी उसे खुद मना किया हुआ है यार। फोन ना। अच्छा नहीं लगता यार। माही, सही उसे कॉल आ रही है यार, दो मुझे। इसमें दो ना। सही दो मुझे। कुछ नहीं होता ना। सो के थोड़ा सा मजाक तो बनता है ना। यहाँ। हेलो। जी हेलो। जी आप कौन? आपको किससे बात करनी है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉक्सिक। रियली? मुझे पहले किसी ने नहीं बताया। अरे आपको पहले मुझ जैसा कदरदान जमाना शिनास मिला ही कहाँ होगा। वैसे आप करते क्या हैं? मुझे पहले आप बताएं कि आप कौन हैं और नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम सुनीला जबीन है। लोग कहते हैं नाम में रखा ही क्या। सुनीला जबीन, वाह, नाम तो आपका भी कम नशीला नहीं। फारिस, हाउ डेयर यू, यू चीट। तुम इस तरह से बात भी कैसे कर सकते हो मेरी दोस्त के साथ? ओ रिदा, तुम बकवास बंद करो फारिस, और आइंदा मुझे कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। You cheat? यार नहीं कर सकते, शादी पक्की हो चुकी है, हम नहीं छोड़ सकते उसे। I'm sorry, this was funny, यार। तो फेक साहब, कैसे हैं आप? जी मेहरबानी, दफ्तर से आ रहे? जी बस आज जरा लेट हो गया थोड़ा। तो फेक साहब, मैंने नहीद को कह दिया है कि आज के बाद तौफीक साहब के घर से रोजाना अखबार लाने की जरूरत नहीं, हम अपना अखबार लगवा रहे हैं। पिछले 20 बरस से अखबार हमारे घर से आ रहा है, तो दो चार साल और सही। वैसे तो हमसाए हमसाए के काम आते हैं, चाहे 10 रुपए की अखबार ही सही। हाँ वो याद आया, एजुकेशन बोर्ड वाले फाक साहब मिले थे सुबह। या वो एग्जामिनर है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में? जी हाँ वही, बहुत शिकायत लगा रहे थे फरहाद की। क्या हुआ? वो वहीं पे एक्सटर्नल एग्जामिनर है ना, जहाँ फरहाद का सेंटर बना इम्तिहान का, वो कह रहे थे कि एक पर्चा नहीं दिया उसने। वो तो अफसोस कर रहे थे कि इतने लायक फायक बाप का बेटा इतना न लायक, इतना न कम्मा,
इस दफा भी पक्का फेल होना उसने। बड़े आए 20 साल अखबार देने का ताना देने का। कहाँ रह गया है भाई? वो गया है ना सजाद देखने, आता होगा उसके साथ ही। हाँ बैठा होगा अपने आवारा लुच्चे दोस्तों के साथ, कुछ खेल रहा होगा। आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कहाँ थे बेटा? अबा जी मैं यहीं था दोस्तों के पास। अच्छा वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा आज आखिरी पेपर था ना, तो उसका ही पूछना था कैसा हुआ। अच्छा हुआ है, बहुत मेहनत करी थी। अच्छा, चलो। तो क्या यार हम लोग कोई फर्स्ट डिवीजन की उम्मीद रखे हैं या उससे भी कोई बड़ी खुशी दोगे हमें? फर्स्ट सेकंड का तो मुझे नहीं पता, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बाकी अल्लाह के हाथ में। मन झूम झूम तन झूम झूम।